कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई ईडी की, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। राजापक्षा को मोदी जी ने जबरदस्ती करके वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। बांग्लादेश वालों को बिजली खरीदनी थी, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट भी अडानी को दिला दिया। 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई, 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने उसको 6 के 6 एयरपोर्ट को अपने नाम कर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता मिला मेरे को, उससे काफ़ी लंबी चर्चा हुई मेरी, और उसने जो जो बातें बताई वो इतनी चौंकाने वाली थी कि आप सब सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने मेरे से पूछा कि केजरीवाल जी, आपको क्या लगता है मोदी जी अडानी की इतनी मदद क्यों करते हैं? मैंने कहा दोस्त हैं दोनों, इसीलिए करते हैं। कहते हैं बस इसलिए। कहते हैं मोदी जी ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं करा, अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं करा, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करा, उनके भाई गुजरात में रहते हैं उनके लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं करा, राजनीतिक गुरु के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने दोस्त के लिए इतना कुछ करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्त पे इतने मेहरबान क्यों हैं? ऐसी भी क्या दोस्ती है आज के ज़माने में? कौन कोई भाई के लिए कुछ नहीं करता, दोस्त के लिए कौन करता है? तो मैंने कहा फिर क्या मामला है? कहते हैं आप खुद सोचो, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, चारों तरफ थू-थू हुई, पूरा क्रैश कर गया अडानी ग्रुप। मोदी जी इतने स्वार्थी आदमी हैं कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो 2 मिनट में उसको साइड करते और कहते मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। अभी भी उसको बचाने में लगे हुए हैं, कभी SBI को कह रहे हैं इसको पैसे दो, आज अखबार में आया PF वालों को भी बोला इसको पैसे दो, सारी एजेंसी अभी भी उसको पूरी तरह से उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो मैं भी अचंभे में रह गया कि मामला तो कुछ अलग ही है, क्यों ऐसा भी क्या दोस्त हो गया कि दोस्त डूब रहा है और फिर भी उसको पूरी तरह से, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के लिए तो परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कोई आसपास वाला अगर कहीं, वो तो आदमी कह देता है यार मेरे से मिलना बंद कर दियो कल से, वो उसको अभी भी बचाने में लगे हुए। और उसने मेरे को बताया कि, मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है, उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, JPC बैठ गई, ED की जांच हो गई, CBI की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनकी उनको क्या पैसे की जरूरत है? तो कहता है सर पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे और पैसा और पैसा और पैसा, बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का 2nd richest man बना था, अडानी दुनिया का 2nd richest man नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के 2nd richest man बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं।
फिर उसने मेरे को एक एक करके, मैं बड़ा धीरे 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 उसकी बातों पे, पहले तो मैं एकदम शॉक हो गया, ये कह क्या रहा है कि अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा है। फिर वे धीरे धीरे उसने एक एक करके बातें खोल के समझानी चालू की। कहता है मोदी जी श्रीलंका गए, श्रीलंका के राष्ट्रपति राजापाक्षा हैं, राजापाक्षा को मोदी जी ने जबरदस्ती करके वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। क्यों दिलाया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कोई विदेश जाएगा तो वहां की किसी एजेंसी को जबरदस्ती करके अपने भाई को, रिश्तेदार को ठेका दिला के आओगे क्या? ऐसे कोई करता है क्या? मोदी जी ने जबरदस्ती राजापाक्षा के ऊपर प्रेशर डाल के वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। अडानी को नहीं दिलाया, खुद लिया वो प्रोजेक्ट। वो मोदी जी का प्रोजेक्ट है, वो अडानी का प्रोजेक्ट नहीं है। और ये बात कैसे निकली? वहां का जो बिजली बोर्ड है श्रीलंका का, जैसे अपने यहाँ स्टैंडिंग कमेटी है असेंबली की, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, वैसे उनकी भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो वहां पे पार्लियामेंट की, श्रीलंका की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जब उनके बिजली बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया और बोले तूने ये प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया, तो उसने कहा जी राजापाक्षा साहब ने मेरे को बुलाया था, उन्होंने कहा मोदी जी मेरे पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अडानी को दो। मोदी जी बांग्लादेश गए, बांग्लादेश वालों को बिजली खरीदनी थी 1500 मेगावाट बिजली 25 साल के लिए, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट भी अडानी जी को दिला दिया। अडानी को नहीं दिलाया, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट खुद लिया। 25 साल तक 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रोजेक्ट बांग्लादेश का, वो भी मोदी जी ले आए अपने नाम पे। इसराइल गए, इसराइल के साथ भारत ने कई सारे रक्षा सौदे किए, रक्षा सौदे, वो सारे के सारे रक्षा सौदे अडानी को दे दिए। अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने खुद लिए। अभी 2-3 साल पहले 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई प्राइवेटाइजेशन के लिए, सरकार ने उनकी नीलामी करी भाई प्राइवेट प्लेयर आके लोग, उसमें एक कंडीशन थी कि उसी को दिए जाएंगे ये एयरपोर्ट जिसने पहले एयरपोर्ट का काम कर रखा है। हर सरकारी ठेके में होती है, हम सड़क बनाते हैं कहते हैं भाई सड़क, जिसको ठेकेदार को सड़क बनाने का एक्सपीरियंस है उसी को दिया जाएगा। हम बिल्डिंग बनाते हैं हम कहते हैं भाई ये पानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, हम कहते हैं भाई जिसने WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इतने लगा रखे हैं उसी को दिया जाएगा। हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, हम कहते हैं जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है 15 साल का है उसी को। इसमें भी ये कंडीशन थी कि जिसने इतने साल तक एयरपोर्ट चलाने का काम कर रखा उसी को दिया जाएगा। अब अडानी ने तो कर नहीं, मोदी जी ने तो कर नहीं रखा था, अडानी ने तो कर नहीं रखा था, तो क्या करते आखिरी मोमेंट पे वो कंडीशन हटा दी गई, बोले कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 6 एयरपोर्ट नीलामी पे थे, 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने वो खुद 6 के 6 एयरपोर्ट खुद अपने नाम कर लिए। आज 2021 नवंबर में एयरपोर्ट टेक ओवर किए, 2023 डेढ़ साल हुआ है, डेढ़ साल के अंदर आज एयरपोर्ट का 30% पूरे देश का एयरपोर्ट का जितना धंधा है बिजनेस है उसका 30% बिजनेस जो है वो मोदी जी के पास है। 30% डेढ़ साल के अंदर इतना बड़ा भारत देश, इतने एयरपोर्ट, 30% एयरपोर्ट का बिजनेस आज मोदी जी के पास है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके बंदूक यहां रख के लोगों की फैक्ट्रियां छीनी जा रही हैं। मतलब 10 अक्टूबर 2018 को, 10 अक्टूबर 2018 को कृष्णापट्टनम पोर्ट के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई और 6 अप्रैल 2020 को डेढ़ साल बाद वो पूरा एयरपोर्ट अडानी ने खरीद लिया। उसके यहां बंदूक रख के उसको कहा या तो दे दे और या जेल। तो वो अडानी ने नहीं खरीदा, वो मोदी जी के पास चला गया कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट। 10 दिसंबर 2020 को एसीसी और अंबुजा सीमेंट पे रेड हुई
और दो साल बाद 16 अक्टूबर 2022 को दोनों सीमेंट प्लांट मोदी जी के पास चले गए। 2020 जुलाई को मुंबई एयरपोर्ट का मालिक था जीवीके, उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड हुई, एफआईआर हुई और एक महीने बाद मुंबई एयरपोर्ट जो है वो मोदी जी के पास चला गया, अडानी के पास चला गया। तो ईडी और सीबीआई पे रेड कराते हैं, उसको धमकाते हैं फैक्ट्री वाले को, कंपनी वाले को कि या तो जेल जा और या तेरी फैक्ट्री हमको दे दे। ये इधर तो सुनते थे हरियाणा की तरफ, ये पक्षी इधर इसकी फैक्ट्री भी छीन ली, पंजाब में भी सुनते थे इसकी भी फैक्ट्री छीन ली इसकी। पूरे देश के अंदर ये इतनी गुंडागर्दी मची पड़ी है कि ईडी की रेड करा देते हैं, सीबीआई की रेड करा देते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं और कहते हैं या तो फैक्ट्री दे दे और या जेल जा। ये क्या चल क्या रहा है इस देश के अंदर? इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ऑर्डर निकाला कि सारे जितने पावर प्लांट हैं, जितनी राज्य सरकारें हैं, पंजाब सरकार की हमारी जो सरकार है उनके पास भी ऑर्डर आया, सारी सरकारों को जितना उनका कोयले की रिक्वायरमेंट है उसमें से 10% कोयला इंपोर्टेड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इंपोर्ट केवल मोदी जी करते थे, अडानी करता था। तो इसका मतलब आपको 10% अपना कोयला, कंपलसरी जरूरत नहीं है आपको कोयले की, लेकिन 10% कोयला आपको अडानी से खरीदना पड़ेगा। हमारे देश का कोयला 2,000 रुपये टन है, इंपोर्टेड कोयला 20,000 रुपये टन है, 10 गुना दाम के ऊपर आपको अडानी से यानी कि मोदी जी से कोयला खरीदना पड़ेगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक और जब कोयला घोटाला हुआ था अपने देश के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब कोयले की खदानें किसी भी प्राइवेट वाले को नहीं दी जाएंगी, सारी खदानें सरकारें। तो इन्होंने कुछ खदानें राजस्थान सरकार को दे दी, कुछ खदानें छत्तीसगढ़ सरकार को, कुछ खदानें पंजाब सरकार को, सरकारों में बांट दी। बाकी पूरे देश में इस केवल राज्य सरकारों के पास खदानें हैं, केवल अडानी के केस में उन्होंने एक्सेप्शन करके अडानी को कोयले की खदानें दे दी और उसमें भी ऑर्डर कर दिया कि 4,000 कैलोरी से कम वाला कोयला जो है उसको रिजेक्टेड माल बनाया माना जाएगा, जबकि वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है और वो रिजेक्टेड माल इसको फ्री में मिलता है। तो कम से कम 2,800 करोड़ रुपए का कोयला हर साल फ्री में मोदी जी ले जाते हैं, 2,800 करोड़ रुपए का कोयला हमारी खदानों से हर साल मोदी जी निकाल के ले जाते हैं। 2014 में अभी जो आतिशी जी ने कहा, 2014 में अडानी जी की यानी कि मोदी जी की जायदाद 50,000 करोड़ की थी, 7 साल बाद इनकी जायदाद हो गई 11.5 लाख करोड़। मोदी जी इतना पैसा लेके कहां जाओगे, 11.5 लाख करोड़ रुपए की जायदाद, 7 साल में इतना लूट लिया आपने देश को। 2014 में 609 नंबर पे थे, अब ये सेकंड रिचेस्ट बन गए, अब रिचेस्ट बनना चाहते हैं ये तो। लेकिन कुदरत कुदरत है, कुदरत तो बड़ी ताकतवर है, किसने सोचा था एक दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आएगी और 24 घंटे के अंदर सारा तहस नहस हो जाएगा। 1947 से लेके 2014 तक 67 साल में भारत देश ने, सारी सरकारें जितनी आई सबने मिलके 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था भारत सरकार ने। 2014 से 2022 7 साल के अंदर 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, दुगने से भी ज्यादा, जितना 67 साल में लिया था उतना 7 साल में ले लिया। ये पैसा गया कहां, ये पैसा गया कहां, ये सारा इनकी जेब में गया। तो मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप तो जीएसटी देते हो, अपने बच्चों का पेट काट के टैक्स देते हो, दूध पे दही पे हर चीज पे जीएसटी देते हो, वो जीएसटी का पैसा जाता है जनता की उसमें खजाने में, वहां से वो जाता है अडानी के खजाने में और वहां से वो जाता है मोदी जी के खजाने में। दोनों हाथों से लूट मची हुई है, पूरे देश को लूट रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी पूरे दोनों हाथों से लूट रहे हैं, कोयला लूट रहे हैं, एयरपोर्ट लूट रहे हैं, सड़कें लूट रहे हैं, बिजली लूट रहे हैं, पानी लूट रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट रहे हैं। जितना कांग्रेस ने 75 साल में नहीं लूटा उससे 10 गुना इन्होंने 7 साल के अंदर 8 साल के अंदर लूट लिया देश को।
अडानी का क्या रोल है इसमें? मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं है कि करना क्या है। अडानी आके बताता है पैसा यहां लगा लो, इस देश में चलते हैं, वहां की ये कंपनी खरीद लेते हैं, ईडी को और सीबीआई को इसके पीछे लगा दो, वो सारा मैनेजमेंट करता है, दिमाग उसका, पैसा मोदी जी का। उसके बदले में उसको पता नहीं 10% 15% 20% कितनी कमीशन मिलती है, लेकिन दिमाग सारा अडानी का है। और मेरे को ज्यादा चिंता इस बात की है अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको कम समझ में आता है, लोग आके उनको कुछ ना कुछ कहीं भी जाते हैं या कोई विदेश से आता है, उसके जो भी विदेश से नेता आता है या कहीं जाते हैं तो दो ही कंडीशन होती है, एक तो उसको कहते हैं भाई गले मिल ले तो फोटो खिंचा ले, गले मिल ले फोटो खिंचा ले, पार्क में घूम ले तो वो फोटो खिंचाने के लिए उसको कहा जाता है भाई फोटो खिंचा ले फोटो खिंचाने के लिए, और दूसरा उसको कहा जाता है भाई अडानी को ये ठेका दे दे अडानी को ये ठेका दे दे, और कोई किसी कईयों को कहते हैं तारीफ कर दे, कोई आके कुछ कुछ नेता आके कहते हैं ना मोदी जी तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उसने क्या लेना देना मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय, वो आके क्यों कह रहा है? बदले में वो देश, ये जो गोरे हैं ना बहुत चतुर हैं बहुत चालाक हैं, ये ऐसे इतने भोले वाले नहीं है कि यहाँ पे आए और कह गए मोदी जी दुनिया के, वो पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता बदले में क्या साइन करा के ले जाते हैं। यही हुआ था 17वीं 18वीं सदी के अंदर हमारे देश में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते थे उस टाइम के, हमारे राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती नहीं थी, उनके राज्य उनके दरबार में आते थे, उनकी तारीफ करते थे, खूब तारीफ करते थे, और पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले गए। 100 साल के अंदर पूरा देश अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, वही हाल अब हो रहा अपने देश का कि हमारे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, पैसे की हवस है, और मतलब जो भी आता है 2 लाइन उनके उसमें बोल दे, गले मिल ले, पार्क में घूम ले, अडानी को 2 कंपनियों का ठेका दे दे, बदले में पता नहीं देश का क्या क्या बेच दिया इन लोगों ने। बहुत चिंता है हम लोगों को देश की इस वक्त, जिस दौर से देश गुजर रहा है, मुझे लगता है कि आजादी के बाद से सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुए हैं जिन्होंने देश को इतना लूटा है तो वो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, और उसके ऊपर कम पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ पता नहीं, कोई कुछ भी उनसे साइन करा के ले जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। मैं संजीव झा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।